Assalamualaikum and welcome to another vlog. Guys, आज हमने अपने vlog का थोड़ा theme change किया क्योंकि मेरे routine कुछ busy किया, काफ़ी hectic है, तो कुछ कर नहीं पा रहा था मैं, इसलिए मैंने सोचा कि यार आज कुछ अलग किया जाए. तो हम आज react करेंगे पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हैं रीका हक. पहले मैंने उनका कंटेंट देखा नहीं था काफ़ी, यानी कि 2.5 या 7 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं. तो मैंने सोचा चले क्यों ना देखा जाए उनका कंटेंट के क्योंकि इस तरह का क्या करती हैं वो, क्या दिखाती हैं जो 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके. तो चले स्टार्ट करते हैं. कपड़े यानी कि तैयार होने का ना रिकॉर्ड कायम कर दिया क्योंकि हम लड़कों को टाइम लगता है 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगा लो, जिसमें ज़्यादा जो स्ट्रेटन करने होते हैं, जिसने क्रीम वगैरह लगानी होती है उसको 10 मिनट लगते होंगे. भाई जान इसने 1 सेकंड के अंदर अंदर कपड़े बदल दिए, तैयार भी हो गई. वाह क्या बात है इसकी. वैसे ना मुझे लड़कियों की ये नहीं समझ आती, मुझे लड़कियों की ना ये नहीं समझ आती कि यार इतना मेकअप बंदा ना बंदा है ना इनका, उसकी सारी जो सैलरी है ना इनके मेकअप में गुजर जाए. ये बस चाहते यही है कि हमारे मेकअप का सामान ए वन हो, और कुछ नहीं चाहिए, बस मेकअप होना चाहिए लड़कियों के पास. देखते हैं वीडियो. लड़कियां कोई ऐसी हैं जिसके विलिंग है ना, विलिंग है मेकअप में लग जाएगी. अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, इसको छोड़ें. वैसे आपस की बात है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है. इस किस्म के गाने ना एनर्जी डालते हैं यार बंदे के अंदर. साथ में उनका स्टाइल वो बस यानी स्टाइल किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा अप्रिशिएटेबल है. गाने की चॉइस अच्छी है काफी. दिस इज टैलेंट. ओके दिस इज टैलेंट. मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि ये दिखाना क्या चाहती है, ये अपने 2.7 मिलियन फॉलोअर्स को क्या दिखाना चाहती हैं, इनके जो नाम कितने अकाउंट्स हैं, वो किस लिए बने हैं. सिर्फ इस पोस्ट के बदले में उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को कौन सा टैलेंट दिखा रही हैं. सख्त गुंडों की ना क्वालिटी होती है, कोई नखरा नहीं, कोई कुछ, सख्त गुंडा बस खत्म बात. निकलो जिसको नखरे उठवाने हैं साइड पे हो जाए, वही रस्ते में ना आए हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाए. इनको अगर जैगुआर में घुमाना ना, चार दोस्त इकट्ठे करो, जैगुआर में इतने इतने टूर लगेंगे ना पता ही नहीं चलेगा कौन सी दुनिया कहाँ सुकून से ऐश हो रही है, कुछ भी नहीं. चार लौंडे होंगे ना भाई, एक दुकान पे रुकेंगे, बोतल लेंगे, चिप्स लेंगे, पूरा सफर इसी में काट लेंगे और सोएंगे भी उसी गाड़ी में. वैसे सीरियसली एक बात बताऊँ, मैंने इनकी आइडियाज में चूज की थी क्योंकि मुझे लगा था ये कुछ टैलेंट शो करवाते हैं. यार बहुत सारे लोग हैं जो अपना टैलेंट शो करवाते हैं, कुछ लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों के स्टेप्स बहुत अच्छे होते हैं. लाइक एक सॉन्ग पे हिल रहे हैं, एक सॉन्ग पे बोल रहे हैं, बस उसमें क्या टैलेंट होता है यार. लाइक वो एक फिल्म करने में सालों की मेहनत लगाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर इतने इतने करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, और एक ही डायलॉग बोल के कहते हैं मेरे पास टैलेंट है. वाह ये जब मूवी आई थी ना हेरा फेरी, आज भी वो देख लो ना मूवी, दोबारा माइंड फ्रेश हो जाता है. ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने बहुत दफा पहले देखी है, ठीक है. लेकिन ये वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि यार बनाई ही क्यों गई थी वो मूवी, इसी को आगे डाल देते यार.
सिर्फ आखिर पे मैं एक बात कहूंगा कि यार ये लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है ये दुनिया की सेम तरह लड़की है। ऐसा होता नहीं है लेकिन इनको लगता है, और इनको इस बात से मना करेंगे ना तो ये नाराज हो जाएंगे, तो फिर इनको सारी सारी डांट बैठ के मनाना पड़ता है कि अच्छा मान जो, अच्छा तुम्हें सबसे प्यारी हुई वो असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, हमने स्नैप वीडियो से उनकी वीडियोस ली थी लेकिन वो सबसे पहले टिकटॉक पर फेमस हुई थी तो वो टिकटॉक स्टार है, इसलिए मैंने स्टार्ट में भी यही कहा था कि टिकटॉक स्टार रीका हक। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको रिएक्शन कैसा लगा और आप रीका हक के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और स्नैप वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल आता है, और मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टिकटॉक या स्नैप वीडियो स्टार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।